हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के उत्पम। ब्रेकफास्ट के समय आप इस सूजी के उत्पम को बनाइए, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ही बन जाता है। और मैं आपके साथ चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं सूजी का उत्पम बनाना। सूजी उत्पम बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, आधी कटोरी दही। कटोरी से आप सूजी नापे, उसी कटोरी से आप दही भी नापो। अब शुरू करते हैं सूजी उत्पम का बैटर बनाना। बैटर बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, फिर हम डालेंगे सूजी, दही, फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालते हुए इसका एक बैटर तैयार करेंगे। हमें कुछ इसी तरह का बैटर चाहिए, क्योंकि जब हमारी सूजी फूलेगी तो ये और भी थिक हो जाएगा। अब बस इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि अच्छे से सूजी हमारी है जो फूल जाए। उत्पम के साथ हम बनाएंगे चटनी। पैन गरम हो गया, इसमें हम डालेंगे तेल। अब इसमें डालेंगे सरसों, उड़द दाल, लाल मिर्च, करी पत्ता, मूंगफली के दाने। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, प्याज, अदरक, थोड़ा सा हमने कच्चा आम डाला है, आप चाहे तो इसमें इमली भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी के जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी या गुड़, कुछ भी आप एक चीज़ डाल सकते हैं इसमें। और इसमें डालेंगे फिर लास्ट में थोड़ा सा नमक। अब मैं इसे ढककर 2 मिनट के लिए बस पकाऊंगी, ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए। इसमें जो प्याज और टमाटर डले हुए हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। इसे 2 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे प्याज और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, बस हमें इतना ही पकाना है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी, फिर मिक्सी जार में डाल के इसे हम पीस लेंगे। अब इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लूंगी। ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम उत्पम का बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है। इसी तरह का हमें बैटर चाहिए, ना ही ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज्यादा पतला हो। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। ये देखिए हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है उत्पम का। उत्पम में डालने के लिए मैंने कुछ सब्जियां ली है, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। इसे हम एक बाउल में ले लेंगे। आप चाहें तो उत्पम बनाते समय इन्हें एक एक करके भी डाल सकते हैं, बट मैं इन्हें एक साथ ही मिक्स करूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, नमक आप कम ही डालें, क्योंकि आपने बैटर में भी नमक डाला है, इसलिए सब्जी में हम कम ही नमक डालेंगे। अब इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी। बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। अब इसमें हम सारी सब्जियां डाल देंगे अपनी इस तरह से। अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये देखिए हमारा उत्पम पक चुका है। अब मैं इसे पलट के दूसरी तरफ से ही पका लूंगी। ये देखिए उत्पम का कलर कितना अच्छा है, दूसरी तरफ से इसे हम पका लेंगे। उत्पम बनके तैयार है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं।